सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन गुलबर्गा ऑटो विंग के तरफ से आज गुलबर्गा डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया गया। इसी तरह से सिटी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और गुलबर्गा आरटीओ को भी आज मेमोरेंडम दिया गया। बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स के गुलबर्गा सिटी में इश्यूज थे, उसमें तीन इश्यूज़ के ऊपर आज डीसी साहब को और पुलिस कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिया गया। सबसे पहले जो गुलबर्गा में ऑटो स्टैंड का जो इश्यू है, बहुत सारे मीटिंगों में गुलबर्गा के कमिश्नर साहब ने और ट्रैफिक जिम्मेदारों ने, पुलिस के जिम्मेदारों ने गुलबर्गा के जो ऑटो स्टैंड्स के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किए, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। टोटल गुलबर्गा में 64 से ज़्यादा ऑटो स्टैंड्स हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर सिर्फ 15 ऑटो स्टैंड जो फंक्शनल है, बाकी के जो ऑटो स्टैंड्स हैं कहाँ पर है किसी को नहीं मालूम। तो इसके बारे में एक मुतालबा था। दूसरा, जो गुलबर्गा का जो रेडियस है वो सिर्फ 16 किलोमीटर है, 25 साल से 16 किलोमीटर ही है, क्योंकि गुलबर्गा बहुत बड़ा हो चुका है अब डिविजनल हेडक्वार्टर से गुलबर्गा। हमारा डिमांड, ऑटो ड्राइवर्स का एसोसिएशन का डिमांड है कि कम से कम गुलबर्गा का जो रेडियस है 25 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तीसरा, ऑटो ड्राइवर्स का डिमांड है जो गैस फिलिंग स्टेशन है वहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी चीटिंग हो रही है, तो रेगुलर इंस्पेक्शन होना है ऑटो ड्राइवर्स, क्योंकि इतनी मेहनत कर जब 100-200 का जब गैस फिलिंग कराते हैं उसमें जो धोखाधड़ी जो महसूस कर रहे हैं ऑटो ड्राइवर्स, उसका भी इशू को एड्रेस किए हैं। तो लिहाजा इन तीन इशू के ऊपर हम लोगों ने ये चारों ऑफिसर्स को मेमोरेंडम दिया है। सोशल डेमोक्रेटिक ऑटो चालक यूनियन कड़ा इवतु ना डी सी साहब्रिगे वो मेमोरेंडम को ऑटो स्टैंड सल नमलिए 64 ऑटो स्टैंड अदरलैन बरी 15 ऑटो स्टैंड चालू अव हुड़की ऑटो स्टैंड सल नमगे पर्मिशन सिंकोता मत नम ऑटो चालक गैस प्रॉब्लम भाला आगता है। ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಲತ್ತರ ಏನದ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ವೆ ಆಗಲಾಗ್ಯದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಲೀಟರ್ ಹಿಸಾಬ್ಲೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಏನದ ಏರ್ ಹೊಂಟದ ಏನಲ್ಲತ್ತದ ಏನು ತಿಳಿಯಲಾಗ್ಯದ, ಮಿನತ್ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಆಗಲಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೊಳತ್ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲಾಗ್ಯದ, ಅವು ಹೊಯ್ಕೊಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತರ ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೋ 1990 ಬಾದ ಸಿರ್ಫ್ ऑटो स्टैंड के लिए सिर्फ गाड़ियाँ छोड़े गए हैं, ऑटो स्टैंड एक भी नहीं बनाया गया। गुलबर्गे में टोटल 64 ऑटो स्टैंड है। 64 ऑटो स्टैंड में अगर हम टोटल क्वांटिटी करें कि दरगाह के पास एक 5, बस स्टैंड में एक 10, ऐसा सब तरफ की अगर हम क्वांटिटी करें तो 420 गाड़ी का परमिशन है, टोटल 420 गाड़ी का, और लीगल ऑटो 6000 चिल्लर है, और बगैर परमिट के ऑटो एक अलग से तकरीबन एक 6000 वो है। ऑटो स्टैंड कहीं भी नाम पर नहीं है। 64 ऑटो स्टैंड में 15 ऑटो स्टैंड चालू हैं, बाकी के पूरे ऑटो स्टैंड पे बंद है, और कहीं भी अभी क्या है मालूम है नो पार्किंग या पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। पिछले मुसलसल 10 साल से हम क्या है मालूम है इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, अब तक क्या है मालूम है कोई भी इसके लिए आगे नहीं आए काम करने के लिए, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। आने वाले एक 8 से 10 दिन में अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो हम एक बड़ा प्रोटेस्ट क्या है मालूम है इसके लिए करने वाले हैं। गुलबर्गा का सराउंडिंग एरिया रेडियस सर्कल 16 किलोमीटर है, ये 16 किलोमीटर पिछले 25 साल से 16 किलोमीटर का 16 किलोमीटर ही है। गुलबर्गा देखते देखते फैलता जा रहा है, रिंग रोड, अब रिंग रोड क्या है और एक रिंग रोड बनने वाली है, अभी ये कब बनेगा अभी तक कुछ उसके बारे में इतला हमको मिली नहीं। अभी तक ये बनना चाहिए था 16 किलोमीटर से, अब फिलहाल 25 किलोमीटर होना चाहिए था, 25 किलोमीटर हुआ तो हम इसके ऊपर अब आगे आवाज़ उठाना था कि 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर कीजिए बोलकर, मगर वो 16 किलोमीटर का 16 किलोमीटर ही है। हमारी डिमांड ये है कि उसको बढ़ाकर 25 किलोमीटर से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अब जो एयरपोर्ट जो बना हुआ है वो एयरपोर्ट ये रेडियस सर्कल के अंदर भी नहीं आता। अगर हम आपको यहाँ से एयरपोर्ट के लिए पैसेंजर लेकर जाना है, अब हम वहाँ खुदा ना खास अगर कुछ हादसा हो गया तो उसका इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होगा हम आपको।